सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इंडिया की कैपिटल दिल्ली में इतिहास के कई राज छुपे हैं। उन्हीं में से एक है अग्रसेन की बावली। 103 सीढ़ी गहरा इंडिया का सबसे मशहूर कुआं, जहां कई सालों पहले पानी को स्टोर किया जाता था, पर अब ये जगह सूखी पड़ गई है और चमगादड़ों और कबूतरों का घर बन चुकी है। आमिर खान की फिल्म पीके की शूट के बाद ये जगह काफी पॉपुलर हो गई और काफी टूरिस्ट्स बावली देखने जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अग्रसेन की बावली को हॉन्टेड मानते हैं और यहाँ जाने की सलाह किसी को नहीं देते। उन्हीं में से एक है आकाश, जो एक बॉलीवुड फिल्म की प्रोडक्शन संभाल रहा था और शूट से पहले ये जगह देखने आया था। क्योंकि 6 बजे ये जगह पब्लिक के लिए बंद हो जाती है, आकाश दिल्ली अथॉरिटीज की स्पेशल परमिशन लेकर 2003 की एक रात अपने एक कैमरामैन के साथ इस जगह का मुआयना करने यहाँ आया। अग्रसेन की बावली में एक अजीब सी शांति थी और दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। पत्थर की दीवारों से गूंजती हुई चमगादड़ों की आवाज इस जगह को और डरावना बना रही थी। बावली के निचले हिस्से में बहुत अंधेरा था, पर आकाश ने कैमरामैन को बोला कि शूट के लिए जरूरी है कि हर एंगल से उस बावली की फोटो ली जाए, और इसीलिए उन दोनों ने बावली में और नीचे जाने का सोचा। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी और बाहर की सारी आवाजें धीमी होती जा रही थीं। उनको बस उनके चलने की गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक आकाश को लगा कि बावली के अंदर के झरोके से कोई एक साइड से दूसरी साइड भागा। उसे एक सेकंड के लिए यह अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, और वो अपने कैमरामैन को बिना कुछ बोले और नीचे उतरने लगा। एकदम नीचे पहुंचकर जब कैमरामैन बावली की अलग अलग फोटोज ले रहा था, तब अचानक एक फोटो खींचने पे उसे ऐसा लगा कि कोई भूतनी उसके सामने खड़ी है। उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर गया और टूट गया। जब कैमरामैन ने आकाश को ये बात बताई, तब आकाश थोड़ा घबरा गया। उसे लगने लगा कि बावली में अब ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, पर क्योंकि कैमरा टूट गया था तो उसने फोन में एक आध फोटोज लेकर वहां से जल्दी से निकलने का तय किया। जैसे ही उसने फोन का कैमरा ऑन किया, उसने कैमरे में एक चुड़ैल को देखा जो सीढ़ियों से अपने हाथों के बल उतर रही थी। ये देखकर वो सुन पड़ गया। कैमरामैन ने जब देखा कि आकाश का चेहरा पीला पड़ रहा है, वो तुरंत आकाश को लेके अग्रसेन की बावली से निकल गया। पूरी रात वो दोनों डर के मारे नहीं सोए। जब उन्होंने कैमरा ठीक कराया और उसके अंदर की फोटोज देखी, तो उन सारी फोटोज पर कुछ धुंधली सी परछाई थी। जब ये बात आकाश ने अपने प्रोडक्शन हेड को बताई, तब उसने आकाश की बात नहीं मानी और अपने दूसरे असिस्टेंट को फोटोज लाने भेज दिया, जिसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कहानी दिल्ली कैंट के अर्जुन विहार में बसे एक बड़े से फार्म हाउस की है। लोग कहते हैं कि अर्जुन विहार कॉलोनी में घर बनने से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और कई लाशें आज भी उन घरों के नीचे दफन हैं। इन सभी बातों से अनजान विनोद और उसकी फैमिली, जिनका अभी अभी दिल्ली ट्रांसफर हुआ था, वहां रहने आए। विनोद का बेटा आशीष बहुत खुश था कि फाइनली नए घर में उसका अपना एक कमरा होगा। उसके कमरे की खिड़की के बाहर फूलों से सजा घर का गार्डन दिखता था। वो अपने नए घर को लेकर काफी एक्साइटेड था, पर उसे क्या पता था कि वही कमरा आने वाले महीनों में उसकी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस बन जाएगा। शुरू के कुछ दिन काफी आराम से बीते, पर एक रात आशीष को सोते हुए ऐसा लगा कि कोई उसे नोच रहा है। उसने उठकर देखा तो उसकी पीठ पर खरोचों के निशान थे। उसे लगा कि बाहर गार्डन के कीड़ों ने उसे काटा होगा।
और यही चेक करने के लिए उसने आसपास नजर घुमाई, पर वहां कोई कीड़ा नहीं था। तभी उसकी नजर गार्डन में एक पेड़ पर गई जिसकी परछाई के नीचे घास का एक तिनका भी नहीं था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वापस लेट गया। एक रोज आशीष के पेरेंट्स कुछ काम से बाहर गए हुए थे और वो घर पर अकेला था। वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था कि अचानक उसे किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज आई। उसने जब अपने कमरे से देखा तो उसे किचन से हॉल की तरफ जाते हुए एक परछाई दिखी। आशीष जल्दी से उठकर बाहर गया, पर बाहर कोई नहीं था। जब वो वापस अपने कमरे में गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि गार्डन के उस बड़े से पेड़ की टहनी पर एक लाश लटकी है जो पलक झपकते ही गायब हो गई। आशीष ये देखकर बहुत घबरा गया था। जैसे ही उसके पेरेंट्स वापस आए तो उसने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन अकेले में आशीष डर गया होगा ये सोचकर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे आशीष की तबीयत खराब रहने लगी। कभी बहुत तेज बुखार तो कभी जोरों से ठंड लगना, ये सब आम बातें हो गई थी। आशीष की तबीयत डॉक्टर्स को दिखाकर भी सही नहीं हो रही थी। एक रात करीब 3 बजे विनोद के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होने लगी। विनोद ने दरवाजा खोला तो वहां उनकी कामवाली मीना ताई खड़ी थी, जो उस घर में उनके साथ ही रहती थी। मीना ताई काफी घबराई हुई थी और उसने बताया कि किसी ने उसके रूम में आके उसका गला दबाने की कोशिश करी और उसे घर से दूर चले जाने के लिए चेतावनी भी दी। तभी आशीष के कमरे से जोर जोर से उसके चीखने की आवाज आने लगी। जब सब लोग वहां पहुंचे तो आशीष बहुत जोर से कुछ बड़बड़ा रहा था और अपने आप को बुरी तरह नोच रहा था। ये देख के उसकी माँ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इस हादसे के बाद विनोद को ये यकीन हो गया कि उस घर में जरूर से कोई शैतानी आत्मा है। उन्होंने सुबह होते ही एक पंडित को बुलाया और पूरे घर का मुआयना कराया। पंडित ने बताया कि आशीष के बेड के नीचे एक आदमी की कब्र है और उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। उस पंडित ने उसी दिन हवन किया और उस कमरे को बंद कर दिया। पंडित ने उस कमरे में जाने से सबको साफ साफ मना कर दिया। आशीष कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ उन्हीं के कमरे में सोया और कुछ महीनों में आशीष की पूरी फैमिली ने वो घर छोड़ दिया। आशीष की हालत वो कमरा और घर छोड़ने के बाद काफी हद तक ठीक हो गई, लेकिन आज भी जब वो उस पेड़ पे लटकी लाश के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है। ये कहानी 17 साल के जिगर नाम के एक लड़के के साथ हुए एक हादसे की है। बहुत मेहनतों के बाद जिगर का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हो गया था और वो बहुत खुश था। वो पहली बार अपने गांव से दिल्ली शहर में आया था और उसके लिए वहाँ सब कुछ नया नया था। जिगर अक्सर लाइब्रेरी में बैठा पढ़ता रहता था, पर एक दिन जब वो लाइब्रेरी की शेल्फ से एक किताब ले रहा था तब अचानक उसे शेल्फ की दूसरी ओर एक डरावना सा चेहरा दिखा, जिसे देखते ही वो चिल्ला उठा और उसके हाथ से वो किताब गिर गई। जिगर की चीख सुनकर एक लड़की उसके पास आई और उसने पूछा अगर वो ठीक है कि नहीं। जिगर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मानो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो लड़की बेहद सुंदर थी और जिगर उसको देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया था। उस लड़की ने जिगर से फिर पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। जिगर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उन दोनों की बातें शुरू हो गईं। वो दोनों रोज रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे और एक दूसरे के साथ पढ़ने लगे। जिगर को वो लड़की काफी पसंद आने लगी, पर एक दिन अचानक वो लड़की गायब हो गई। कुछ दिन तक जब वो लड़की लाइब्रेरी में नहीं आई तब जिगर ने पूरा कॉलेज छान मारा, पर वो कहीं नहीं थी। इनफैक्ट उस नाम की कोई लड़की उस कॉलेज में पढ़ती ही नहीं थी। ये मालूम होने पर वो सीधा लाइब्रेरियन के पास गया और उसने उससे पूछा कि वो जो लड़की उसके साथ रोज पढ़ती थी उसका क्या नाम है और वो कहाँ मिलेगी।
तब उस लाइब्रेरियन ने उसे बताया कि उसने कभी भी जिगर को किसी लड़की के साथ बैठे नहीं देखा। ये सुनकर जिगर के होश उड़ गए। तभी उसे उस लड़की की पुकार सुनाई दी। वो आवाज लाइब्रेरी के उसी कोने से आ रही थी जहां वो लड़की उसे पहली बार मिली थी। वहां वो लड़की शेल्फ की तरफ मुंह करके खड़ी थी। जिगर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जिगर डरता हुआ उसके थोड़ा और पास गया और उसने पूछा, कौन हो तुम? तभी उस लड़की ने जिगर को पीछे मुड़कर देखा। वो चेहरा एक चुड़ैल का चेहरा था जिसे देखते ही जिगर बेहोश हो गया। उस दिन के बाद से जिगर ने लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया। उसे यकीन हो गया था कि उस लाइब्रेरी में उस लड़की का भूत है। उसने स्पेशल रिक्वेस्ट पर अपना कॉलेज तो चेंज करा लिया, पर उस लड़की के चेहरे को वो शायद ही कभी भूल पाएगा। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे दिल्ली में रह रहे एक अंकल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। 2012 दिवाली के शुभ उत्सव पर मेरे अंकल सुनील के साथ कुछ ऐसा अशुभ हुआ जिसकी वजह से वो उस दिवाली को कभी याद नहीं रखना चाहते। पूरा दिल्ली दिवाली की रोशनी में चमक रहा था। सुनील ने भी अपने परिवार के साथ इस उत्सव को खूब जम के सेलिब्रेट किया, पर उनको ऑफिस के काम से अर्जेंटली अहमदाबाद जाना था और देर रात में 4 बजे की फ्लाइट बुक्ड थी। एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको दिल्ली कैंट रोड से जाना था। कहते हैं दिल्ली कैंट एरिया इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, पर ना ही वो भानगढ़ की तरह कोई खंडर है और ना ही उस जगह का कोई डरावना इतिहास है, बल्कि ये एरिया शहर के बीचों बीच किसी भी आम कॉलोनी की तरह ही है। और तो और ये इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स का घर भी है, पर फिर भी इस एरिया को काफी भयानक माना जाता है। सुनील को इसी एरिया से निकल कर एयरपोर्ट जाना था। ऊपर से दिवाली की रात अमावस की रात होती है और कहा जाता है कि इस रात भूत प्रेत की ताकत दुगनी हो जाती है, पर सुनील का इस रास्ते पर काफी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे। रात के 2 बज रहे थे जब सुनील अपनी बाइक को लेकर टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर निकले। दिल्ली कैंट रोड के आते ही कुछ ही देर में सुनील को रोड के कोने पर खड़ी सफेद साड़ी में एक औरत दिखी जो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। सुनील ने सोचा कि इतनी देर रात ये औरत इस सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है, और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और सुनील ने उससे बोला, हम एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे मुंह करके खड़ी थी और उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। सुनील ने फिर बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ बैठी सुनील की वाइफ को एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई और उनको चक्कर आने लगे। वो हाँफते हाँफते बोली, सुनील, सुनील, चलो यहाँ से, प्लीज चलो यहाँ से। सुनील ने बगल में देखा तो उनकी वाइफ का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्हें अब लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला, पर वो ड्राइवर उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। तभी उस औरत ने अपना मुंह उठा के सुनील को देखा। सुनील ने उस औरत का भयानक चेहरा देखते ही ड्राइवर को जोर से हिलाया और चीखा, ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर होश में आया और उसने तेजी से गाड़ी को आगे भगाया। खिड़की के बाहर वही औरत गाड़ी के साथ हवा में भाग रही थी। सुनील ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गए थे और बुरी तरह पसीने पसीने हो गए। सुनील की गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होगी, लेकिन वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। दिल्ली कैंट से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुनील की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उनको मालूम हुआ कि उनकी वाइफ कोमा में चली गई है और उस ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई थी। करीब 4 महीने बाद उनकी वाइफ कोमा से बाहर निकली और अब दोनों ने वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करा। मगर उस दिन से लेकर आज तक सुनील दिवाली नहीं मनाते और उस दिल्ली कैंट वाले रास्ते के आसपास भी नहीं भटकते। ये कहानी ऋतु नाम की एक लड़की की है जो कि एक रिपोर्टर थी। हर दिन अलग अलग जगह जाकर अपने न्यूज़पेपर के लिए खबर लेकर आना उसका काम था। वो हर वक्त
अपना फोन अपने साथ रखती थी और जहां भी उसे लगता था कि कोई घटना एक न्यूज बन सकती है तो वो तुरंत उसकी एक फोटो खींच लेती या उसका एक वीडियो बना लेती। एक दिन रितु देर रात को अपने घर जा रही थी। उसने अपने फोन का फ्लैशलाइट जला रखा था। उस रात के सन्नाटे में बहुत जोरों से हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान आने वाला है। अचानक रितु को लगा कि पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। रितु पीछे मुड़ी और उसे एक भयानक सी काली परछाई दिखाई दी जो कि वहां चुपचाप खड़ी थी। रितु से डर के मारे उसका फोन छूट गया। जब उसने अपना फोन उठाया और फ्लैशलाइट फिर से जलाई तब उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि यह सब उसका एक वहम होगा। वो वापस घर की ओर चलने लगी मगर फिर किसी ने उसका नाम पुकारा। इस बार उसने सोचा कि वो अपने फोन कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड करेगी। उसने अपना फोन का सेल्फी कैमरा ऑन किया और ये देखने की कोशिश की कि उसे कौन बुला रहा है, लेकिन उसके कैमरे में उसे कुछ नहीं दिखा। वो हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो वहां अब भी कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सामने वो काली परछाई उसके बेहद पास आके खड़ी हो गई। रितु समझ गई कि परछाई कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा है। वो आत्मा अपने हाथ से एक तरफ इशारा कर रही थी जैसे वो रितु को कहीं पर जाने के लिए कह रही हो। रितु ने डर के मारे उसी तरफ चलना शुरू किया जिस तरफ वो आत्मा इशारा कर रही थी। वो आत्मा रितु को एक पुराने खंडर में लेकर चली गई और वहां से गायब हो गई। वहां रितु ने कुछ लोगों को देखा। रितु अब भी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उसने उनकी शक्ल अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। उसने देखा कि वो लोग वहां पर फावड़े से कुछ काम कर रहे थे जैसे वो लोग कुछ दफना रहे हों। वो समझ गई कि वहां कुछ तो गलत हो रहा है। रितु ने इतना रिकॉर्ड किया और वो डर के मारे वहां से भाग गए। अगले दिन उसने वो रिकॉर्डिंग अपने न्यूज़पेपर वालों को दिखाई। वो लोग पुलिस के साथ एक टीम बनाकर उस जगह पर गए जहां पर रितु ने सब कुछ होते हुए देखा था। वहां जाने पर जब उसकी टीम ने खुदाई करी तो उन्हें एक लड़की की लाश मिली। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ दो दिन पुरानी हो। लोगों ने तुरंत पोस्टमार्टम के लिए टीम को फोन लगाया और उस बॉडी को आइडेंटिफिकेशन और मौत की वजह पता लगाने के लिए भेज दिया। आइडेंटिफिकेशन में ये पता लगा कि वो शहर के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी 2 साल पहले एक आदमी से हुई। पुलिस की छानबीन पर ये पता लग गया कि उस अमीर आदमी ने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर रखी थी और इसीलिए उसके पति ने अपनी बीवी और उसके बाप को मारने का प्लान बनाया था ताकि वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन सके। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। इस तरह से उस लड़की के पति को सजा मिली। रितु को उसके बहादुरी भरे काम के लिए सबने शाबाशी दी और रितु ने तभी उस काली आत्मा को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रितु को लगा कि शायद यह आत्मा उसी लड़की की जो मारी गई थी। उस दिन के बाद से रितु को वो आत्मा कभी नहीं दिखी। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें।